एयर इंडिया ने की दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील। फ्रांस से 250 एयरबस, अमेरिका से 220 बोइंग खरीदेगा एयर इंडिया। भारत की एयर डिप्लोमेसी के मुरीद हुए जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रों और ऋषि सुनक। एयर इंडिया ने इतिहास रच दिया है। टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली इस कंपनी ने 470 प्लेन के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया है। ग्लोबल कमर्शियल एविएशन में यह सबसे बड़ा ऑर्डर है। कंपनी के कुल ऑर्डर में 250 एयरबस एयरक्राफ्ट और 220 बोइंग प्लेन शामिल है। टाटा ग्रुप के इतने बड़े ऑर्डर के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रों, इमैनुअल ने भारत सरकार और टाटा ग्रुप की तारीफ की है। एयर इंडिया का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी टाटा सन्स ने कहा है कि एयरलाइन सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, नेटवर्क और मानव संसाधन की दिशा में बड़े बदलाव की यात्रा पर है। टाटा ग्रुप खरबों डॉलर की लागत से अत्याधुनिक बोइंग और एयरबस विमानें खरीदने जा रही है। टाटा ग्रुप कुल मिलाकर 470 विमान खरीदने जा रही है। टाटा ने यह सौदा विमानन क्षेत्र की टॉप कंपनी अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील के बाद ट्वीट करके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बधाई दी है। इस सौदे की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वयं इस डील के लिए भारत को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बात की और इस डील को ऐतिहासिक बताया। बाइडेन ने कहा कि मुझे आज एयर इंडिया और बोइंग के बीच हुए समझौते और खरीद की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर भारत और अमेरिका के बीच के संबंध को और गहरा करने की उम्मीद है। इस सौदे के जरिए इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। इस समझौते से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी इस डील को अपने देश के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट बताया है। ऋषि सुनक ने कहा कि एयर इंडिया को जो विमान एयरबस देगी उसके लिए कई अहम हिस्सों का निर्माण ब्रिटेन में होगा। इससे खास तौर पर वेल्स और डर्बीशायर इलाके में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी एक तरफ दुनिया मंदी में है, लोगों की नौकरियां जा रही है, लेकिन एयर इंडिया की इस डील से अमेरिका ब्रिटेन में लाखों लोगों को नौकरियां मिलेगी। एयर इंडिया की डील को अगर रकम के हिसाब से देखें तो ये डील 80 अरब डॉलर यानी कि 6.40 लाख करोड़ रुपए का है। टाटा समूह के स्वामित्व के आने के बाद एयर इंडिया का पहला ऑर्डर होगा। 27 जनवरी 2022 को टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा था। इस डील से 17 साल पहले एयर इंडिया ने एयरक्राफ्ट खरीदने का इतना ऑर्डर दिया था। इससे पहले साल 2005 में 111 विमानों की खरीद का ऑर्डर दिया गया था। इसमें 68 विमानों का ऑर्डर बोइंग को और 43 का एयरबस को मिला था। और अब एयर इंडिया ने एविएशन इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डील की है। रतन टाटा की विजन पर एयर इंडिया को संभाल रही टाटा सन्स ने साफ कर दिया है कि एयर इंडिया किसी भी अन्य एयरलाइन की तरह केवल एक विमानन कंपनी नहीं है, बल्कि यह एक नेशनल प्रोजेक्ट है। करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाएं इससे जुड़ी है। सरकार ने भी एविएशन सेक्टर को नए पंख देने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की थी। 8 सालों में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 147 हो गई है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन हब बनने की भी तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।